लोकसभा चुनाव का कुछ ही समय रह गया है। हमारे साथ जो है बीजेपी के वर्तमान MLA ललन पासवान जी मौजूद हैं, जो कि हमेशा जो है गरीबों के वंचितों की आवाज कहे जाते हैं। सर से जानते हैं इस पे कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है RJ न्यूज। चलिए धन्यवाद आपका भी। सर अभी लोकसभा चुनाव काफी समय नजदीक आ चुका है और जैसा कि बीजेपी के तमाम NDA गठबंधन कह रहे हैं इस बार बिहार में जो है 40 की 40 सीटें जीतनी है, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी इधर आए हैं तो बहुत सारे जो है विपक्ष वाले सवाल भी कर रहे हैं कि 40 क्या 20 भी मुश्किल है, क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए नीतीश कुमार जी के आने से 40 का 40 श्योर शॉट हो गया, अब कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। किसी का विपक्षी का तो इसमें खाता भी नहीं खुलने वाला बिहार में। पिछली बार भी देख रहे थे गलती से एक सीट उनको चला गया था, 40 में 39 हम लोग जीते थे इनके साथ रहने के कारण, वो कसर इस बार, लेकिन वो कसर पूरे इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। चिराग पासवान जी और उनका जो है चाचा पशुपति पारस जी को लेके जो है हाजीपुर के सीट को जो है काफी चिंताजनक रहती है कि हम लड़ेंगे, इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? सब बकवास बात है। जो देखिए NDA का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। NDA में लोजपा तो लड़ नहीं रही है, जी जी जी, वहाँ कोई पार्टी नहीं लड़ रहा है यहाँ बिहार में, यहाँ पर बिहार में NDA लड़ रही है जी। तो सब हम लोग लोजपा है, हम पार्टी है, JDU है, BJP मिले, तो NDA का जो शीर्ष नेतृत्व है जो तय करेगा वही होगा जी। ना तो चिराग जी तय कर सकते हैं, ना पारस जी तय कर सकते, इंतजार करना चाहिए जी। कि नेतृत्व का क्या निर्णय होता है, जो निर्णय है उसको मानना चाहिए। तो सर अभी तक जो है सीट शेयरिंग का कहां तक पहुंचा है? ये तो अभी अंदर की बात है, अभी शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। जैसे जानकारी होगी आप लोग जान जाएगा, पहले ही जाने, मीडिया के लोग तो पहले जानते हैं, आप ही लोग, हम लोग भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर मैंने कल जो है आपका एक वीडियो देखा जिसमे की आप विधानसभा में जो है अपने बातों को रखे रामविलास पासवान जी के लिए आपने भारत रत्न की मांग की। देखिए रामविलास पासवान जी बहुत बड़े शख्सियत है, ऐसे शख्सियत शतक में 100 साल बाद पैदा होते हैं, ठीक है, कोई रोज रामविलास पासवान नहीं बन सकता। आज जिस तरह से झोपड़ी से लेकर सदन तक जिस तरह से गरीबों के आवाज को बुलंद किया, उसके लिए मसाल जलाया, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, इवन स्वर्ण गरीब भी जो है उनके लिए भी पहली बार उन्होंने आवाज उठाई। कभी वो रामविलास पासवान जी कभी भी किसी जाति के पासवान थे, लेकिन सिर्फ पासवान की बात नहीं करते थे, वो हमेशा वर्ग की बात करते थे, SC ST की बात करते थे, उसके हित की बात करते थे, OBC की बात करते थे, अल्पसंख्यक की बात करते थे, इतने महान व्यक्ति थे। और जान लीजिए 1969 में पहली बार चुनाव जीत करके आते हैं, अलोली से विधायक बनते हैं जी जी। और 1970 में बजट भाषण होता है, 5 मिनट उनको समय मिलता है, पढ़िए उनके जीवन को, हम लोग यहाँ लाइब्रेरी उनको पढ़ते हैं, कई उन पर किताबें आई हैं जी सर। तो पहली बार उन्होंने सदन में उठाया कि सबको समान शिक्षा का अधिकार है, चाहे अधिकारी हो कि चपरासी हो, IPS हो कि कांस्टेबल हो, MLA हो कि MP हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई हो, गरीब हो कि किसान हो, मजदूर हो, कोई, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि सरकार को उन्होंने सलाह दिया बजट सेशन में, अपने पहले बार जीत के आए थे, वो DSP की नौकरी छोड़कर के आए थे, कि कहा कि जितने भी तरह के स्कूल हैं सबको बंद कर दीजिए, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे मिशनरी स्कूल हो, चाहे इवन नेतरहाट को भी कहा, और सबको बंद करके पूरे राज्य में एक जैसा स्कूल बनाए, एक जैसा सिलेबस, पूरे राज्यवासियों को, पूरे लोगों को एक सिलेबस दीजिए, एक स्कूल, एक स्टैंडर्ड के टीचर को वहां पर दीजिए, तब लोगों को समान शिक्षा होगी। किसी को ICSE बोर्ड, किसी को CBSE बोर्ड, किसी को बिहार बोर्ड, कहीं स्कूल, किसी को किसी स्कूल में टीचर नहीं, और इस तरह असमान शिक्षा है, समान शिक्षा नहीं है, परीक्षा एक, शिक्षा की पद्धति अनेक, इसको पहली बार उन पर उनकी नजर गई थी। बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और बाबा साहब के जो प्रथम सूत्र को लेकर कोई चला, वो पहले व्यक्ति थे, मैंने श्रद्धे रामविलास पासवान जी, जान दीजिए। इतना ही नहीं, मैंने उन्होंने आज OBC रिजर्वेशन के लिए रामविलास पासवान जी ने मंडल कमीशन में जो दबाव बनाया, जो उनका अग्रणी भूमिका है, उसको देश भूल नहीं सकता है। पहले व्यक्ति हुए जो लोगों को कहा कि सब मुस्लिमों के तुष्टिकरण की बात करते हैं, मुस्लिमों से वोट की बात करते हैं, समीकरण बनाते हैं, उनको जब यहाँ पर मैंडेट नहीं मिला था, उनके पास इतने MLA थे कि जिसकी चाहते उसकी सरकार बनती, उन्होंने पहली बार कहा था कि किसी मुस्लिम को
चीफ मिनिस्टर के लिए आगे लाइए, हम समर्थन उसको देंगे। इतना बड़ा दिल आज तक किसी का नहीं हुआ। सब कांग्रेस हो कि आरजेडी हो, सब मुस्लिम को उपयोग करते हैं, लेकिन उनको शीर्ष पद पर पहुंचाने का अगर कोई ठोस मैंने प्रयत्न किए थे अपना समर्थन तो रामविलास पासवान जी। ऐसे महान शख्सियत जो डीएसपी की नौकरी छोड़कर गरीब परिवार से आए, एक कबीरपंथी परिवार से डीएसपी की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए, और आप समझ लीजिए कि मैंने भारतीय राजनीति के मैंने सितारा है वो, ठीक है, वो सितारा है। और वैसे शख्स को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अगर इसमें जो भी मिलने में देरी हो रही है तो ये समझिए कि एक नाइंसाफी है, राजनीति है, और हम लोग हैं यहाँ डबल इंजन की सरकार है। सरकार से हमने निवेदन किया है, मांग किया है कि बिहार सरकार जो सिफारिश करे केंद्र सरकार को, और हम लोग वहाँ भी लगेंगे, बाकी लोग भी देख रहे हैं, जल्द से जल्द इनको भारत रत्न से सम्मान। क्या लगता है आपका, केंद्र में और राज्य में दोनों में है तो लगता है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन्हें मिले? देखिए, उम्मीद से ही दुनिया चलती है। उम्मीद है, हम उस घटक उस पार्टी के विधायक हैं और उम्मीद है, और ऐसे शख्सियत को नहीं मिलेगा तो कैसे नहीं मिलेगा। अब कांशीराम साहब को नहीं मिले तो कैसे मिले, आप समझ लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद माननीय कांशीराम आए, और उन्होंने आज जो दलितों शोषितों वंचितों के बीच में जो, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोगों को देखिए, बाबा साहब ने जो हमारा समाज जो था 6,500 जातियों में बटा था, 4 वर्ण था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 6,500 जातियों में बटा था, लेकिन बाबा साहब ने सबको खारिज किया, जातियों को खारिज किया और वर्ण व्यवस्था को खारिज किया, समानता का अधिकार दिया। उन्होंने 4 वर्ग बनाया, पहला जनरल वर्ग में, दूसरा ओबीसी, तीसरा SC ST, चौथा रिलीजियस माइनॉरिटी। बाबा साहब ने 6,500 से अधिक जातियों में बटे हुए लोगों को 4 वर्ग में समाहित किया, 4 वर्ग किया, बिल्कुल। और बाबा साहब के काम को ही बहुत आगे बढ़ाते मानवर कांशीराम साहब ने 4 वर्ग को भी 2 में कर दिया, टुकड़ा छोटा किया जी। और कौन सा कर दिया, बहुजन कर दिया जी। एक बहुजन हो गए, दूसरा जनरल हो गए। देखिए इसको खत्म, और आगे का क्या लक्ष्य था, बहुजन और जनरल को मिलाकर के सबको भारतीय बनना था। जब तक हमारे अंदर भारतीयता की फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक हम भारत के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। भारत की भला तब सोचें जो भारतीय, भारतीयता अल्टीमेटली सबको भारतीय, हम भारतीय हैं, और हमको भारतीयता का भाव आना पड़ेगा, भारतीयता को जीना पड़ेगा। तो कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है, वैसे शख्स को भी मिलना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश के साथियों से मिलेंगे, साथी विधायकों से, कहेंगे वहाँ भी आवाज बुलंद हो सर, और उनको भी मिले। जैसा कि अभी 5 लोगों को जानकारी है कि हमारे जो है मोदी जी ने जो है हमारे NDA की सरकार ने जो है देने का काम किया है, तो सर उसमें जो है भारत रत्न 5 लोगों को मिला है, जिसमें कि 2 लोग कांग्रेस के ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी जी जो है तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अभी चुनाव के समय ही क्यों दिया गया, पहले 1-2 साल पहले भी तो दे सकते थे। अरे ये भेदभाव कर रहे हैं ना, देखिए राजनीति करना है, विरोधी है सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम कहना। अभी UPA की सरकार रही है, लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार थी और RJD का दबदबा था, जो चाहते थे सो होता था। उस समय कहे ना सदय कर्पूरी जी को दिलवा दिए, उस समय कहे ना मैंने और सबका काम करवा दिए, उस समय तो हुआ नहीं। अब जब हो रहा है तो राजनीति हम लोग किस लिए आए हैं, पॉलिटिशियन किस लिए, चुनावी लड़ने के लिए आए हैं, बताइए। लोकतंत्र में चुनाव क्या है, एक महापर्व है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व क्या होता है, लोकसभा चुनाव, उससे छोटा पर्व होता है विधानसभा चुनाव। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा चुनाव मैंने पर्व होता है लोकतंत्र का, मैंने राज्य स्तरीय चुनाव है, और राष्ट्र स्तर पर जो होता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा का चुनाव है। अब तो ये पर्व त्योहार में ऐसे भी लोग करता है, सामान्य से हट करके ये करता है, छोटा बड़ा काम कर लेता तो है। अब दिवाली आती है, आप क्या करते हैं, अच्छा ये यहाँ वायरिंग ठीक कराते हैं, पेंटिंग ठीक करा लेते हैं, ये करते हैं, तो टाइल्स बदल लेते हैं, उसी तरह से चीज है तो सामने। कम से कम इसे तो राजनीति से दूर हट के देखना चाहिए। नहीं नहीं, एकदम देखना चाहिए दूर, उसके लोकतंत्र का है, आप भी जाइए समाज में। हम तो कह रहे हैं कि आप तो जनता, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, तय जनता को करना है कौन MLA बनेगा, कौन MP बनेगा, जिसका ज्यादा MP होगा उसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका ज्यादा MLA होगा वो बनेगा मुख्यमंत्री, और MLA तय करेंगे। जनता के बीच जाना चाहिए विरोधियों को,
और जाके अपना रोड मैप उनको बताना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, हमको खाली सत्ता चाहिए, हमको सत्ता दे दो, सत्ता दे दो। सत्ता लेके साहब करिएगा क्या, यहाँ कैसे यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाइएगा? स्कूलों में बच्चे शिक्षित नहीं, साक्षर हो रहे हैं। स्कूलों की इतनी दुर्दशा है कि बच्चे स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर भी अपने बच्चों का अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। सरकारी अस्पतालों की इतनी दुर्दशा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी अपना इलाज प्राइवेट में कराने जाते हैं। हम लोग भी अपना सरकारी पैसे से, सरकारी भत्ते से अपना इलाज प्राइवेट में कराते हैं। बताइए इतनी दुर्दशा। हम तो सदन में बोले थे ये कानून बनाइए, हम विधानसभा में आते आने के साथ ही 2020 में ही बोले, जैसे आते के आने के साथ ही 21 में पहले बजट सेशन में हम बोले थे एक कठोर कानून बनाई जिसके तहत जितने सरकारी वेतन भोगी हैं, जिनका पेमेंट ट्रेजरी से होता है, सर जनता के गाड़ी कमाई टैक्स और जीएसटी से उनको पेमेंट होता है सरकार खजाने से, चाहे एमएलए एमपी हो, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अधिकारी हो कि चपरासी हो, जिनका पेमेंट सरकार के ट्रेजरी से होता है, सरकार के खजाने से होता है, वो कानूनी रूप से बाध्य हो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपना और अपना परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराने के लिए। ये कानून बन जाए, देख लीजिए रातों रात सरकारी स्कूल सुधर जाएगा, रातों रात सरकारी अस्पताल सुधर जाएगा, प्राइवेट स्कूलों में ताले लग जाएंगे, गोदाम बन करके रह जाएगा। ये करना चाहिए, कहे अगर अगर चिंता है तो करें, चिंता है तो इस पर आगे आए साथ दें, बिल्कुल हम तो कर ही रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। सुने आपकी जब से सरकार आई है डिजिटल जो है अब सरकारी स्कूल में भी डिजिटल मतलब कि क्या कंप्यूटर वगैरह लगाए जाने की घोषणा हुई है। जितना हो रहा है तो हो ही रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं कि अब उसको वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, वहाँ कंप्यूटर लग रहे हैं, लोगों को कंप्यूटर शिक्षा। देखिए यहाँ डिजिटल एज है, यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन का ज्ञान तो लोगों को चाहिए, लेकिन हमको दुख है कि अभी सरकारी स्कूलों में बच्चे शिक्षित नहीं, साक्षर हो रहे हैं, एकदम स्थिति बहुत ही खराब है। और आने वाले समय में जो खिचड़ी जो चाट रहे ना बच्चे सरकारी स्कूलों में, जनता मालिक जिनके वोट, हम एमएलए हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई पीएम है, कोई एमपी है, कुछ भी है, वो सब जनता के पैसे स्ट्रेस करते हैं। आपको जान लीजिए सरकार के खजाने टैक्सेस से भरे जाते हैं, दो तरह का टैक्स, एक डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, मोर देन लेस देन 20% डायरेक्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट जीएसटी के रूप में मोर देन 80% टैक्सेस आता है। जनता एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर दिन भर रिक्शा चलाता है, 500 रुपया कमाता है, अपने रोजमर्रा का सामान खरीदता है, खाने पीने दवा दारू, उसमें भी वो जीएसटी पे करता है। एक भिखारी भी अगर चौराहे पर भीख मांगता है, दिन भर का 200 रुपया भीख मांगा, तो वो भी अपने खाने के लिए कुछ खरीदेगा, पहनने के लिए, वो भी जीएसटी पे कर रहा है। एक रिक्शा चलाने वाले का, एक मजदूर का, किसान का, एक भिखारी का भी पैसा जा रहा है सरकार के खजाने में, और उस खजाने से इस देश के अधिकारी नेता जो भी कर्मचारी सब सैलरी ले रहे हैं, और उनके बच्चे दून स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में क्वालिटी। अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बात भी, हाँ अपनी भी, हम तो कह रहे हैं, हम तो मालिक थोड़े हैं, इस देश का मालिक थोड़े हम लोग एमएलए एमपी, इस देश का मालिक जनता है, और हम लोग के बच्चे देखिए दून स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो मालिक है जिसके वोट से ये देश चल रहा है, जिसके टैक्सेस के पैसे से, जीएसटी के पैसे से सारा हम लोग ऐश कर रहे हैं सारे लोग, उनके बच्चे खिचड़ी चाट रहे हैं, वो सुविधाहीन सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। जरूरत है कठोर कानून बनाने की, ठीक।